आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सावकाश, मुंह जल जाएगा। रुक, कटोरी में डाल के देती हूँ। दाई, बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन बैठकर खाने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अवनी आने वाली होगी स्कूल से। ठीक है, तो साथ लेके जा। आई आशा, ये डिब्बा तेरा है क्या? ये आपके पास पड़ा है? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे। पता है, अम्मा के यहाँ तो 4 बार पूछ चुकी हूँ। इतना चिढ़ गई, कहने लगी पुलिस को लेकर आ और खुद ही तलाशी ले ले। अगो भाई, और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि ये है किसका। क्या पता कब से पड़ा है मेरे पास। नाम लिखवा लेना चाहिए था ना बर्तन पर, आशा मेहता। नाम लिखने से चीजें अपनी हो जाती है ताई। बिल्कुल, नामकरण ना हो तो पहचान नहीं मिलती, फिर चाहे वो बच्चे का नाम हो, बर्तन का हो या रिश्ते का, नाम से ही पहचान मिलती है। और प्यार? पीडीएस का प्यार जरूरी है, पर हाँ, उस प्यार को नाम की मोहर ना हो तो अपना समाज उस प्यार को नहीं अपना। आशा, क्यों तेरे हाथ कांपते हैं मिसेस आशा मेहता लिखते वक्त? क्यों अशोक के सामने डरती है तू? हक जता, नाम पाने के लिए अपना हक जता आशा। तुम्हारा बिजनेस ट्रिप? हाँ, पत्नी से झूठ बोलकर तुम इस बेशरम औरत के साथ यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हो। भाई की पत्नी है, शादी नहीं की तेरे साथ। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, ये मंगलसूत्र, ये तुमने मुझे अपने हाथों से पहनाया। निकाल के फेंक दे इसे, वैसे भी नकली है। जा, अब मेरा मूड मत खराब कर। सिक्योरिटी बुलाओ और निकालो इसको यहाँ से। तुम मुझे निकालोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की जिंदगी में आने की? हाँ, नहीं ना, तू हार खाकर ही जाएगी ना। हाँ, मंगलसूत्र छोड़ो। अभी भी इस आदमी के नाम का मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ। साले, तू कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? हे सिक्योरिटी, बचाओ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। Thank you.
ओहो, फिर से? कितनी बार उससे झगड़ा करेगी और कितनी बार ये बॉक्स बनाएगी? बस ये लास्ट टाइम है मामा। अब अली और मेरी दोस्ती एकदम खत्म, मतलब ओवर। समझ सकती हूँ। वैसे किसी ने कहा था कि बेस्ट फ्रेंड्स ना ऐसे ही होते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर दोस्ती कर लेते हैं। पर याद नहीं आ रहा किसने कहा था। मैंने कहा था, और अब मैं ही कह रही हूँ कि ये दोस्ती फिनिश। अच्छा सुन, मैंने दाल ढोकली बनाई है, टेस्ट करके बताएगी कैसी बनी है। अरे यार मामा, तुम जाओ यहाँ से, अब मेरा मुंह ठीक होने में टाइम लगेगा। हो गया तमाशा शुरू। ओहो माय डाला, शाबाश शाबाश शाबाश, हाय हाय, मम मम मम, मोय रसगुल्ले, मोय गुलाब जामुन, हलवा पराठा, कीमा कलेजी, मटन फ्राई। नो नॉनवेज। लो खिला देती थोड़ा मटन मच्छी, देख रही हो कमजोर हो रही, बिल्कुल बटेर हो गई मेरी। अरे गुस्सा छोड़ आओ मोय गुड्डो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो टीकू? क्या बताऊं गुड्डू, ये बाजी नहीं है ना, बस के बाड़ा बुझाने के चक्कर में सुलमान भाई के हाथ गाड़ी पर बैठ कर आई है और मैं पैदल। क्या माँ, ऐसा भी क्या ना, इससे अच्छा तो ना ही आते। अरे ऐसे कैसे ना आती, अम्मा हूँ तो ही, दो जान से है तू, जिसको यहाँ होना है वो तो ना है, अब मैं भी तो छोड़ देती। क्यों भाई? अभी तुझे अली से मिलने जाना था ना, जा। सीधे सीधे बोलो ना, बाहर जा, मेरे सामने बात नहीं करोगी। जाऊंगी पर दो मिनट, सिर्फ दो मिनट। मुझे जिगरे, क्या बोला? दो मिनट। अरे शाबाश। ए टीकू ये ले, ये रहा 10 का लोट, जा दुए पे लगा। दुआ का लगाने पैसे? मटका बेटा। अम्मा मटका वो कोऑपरेटिव बैंक, मुआ खाता है वहां पे, 10 के 20 हो जाते हैं बिटिया, हैं? जाना मर्दूद। अवनी तो बाहर जा, मुझे नन्नो से बात करनी है। जा बेटा जा। हाय ला, अभी तो यार अभी आई। अरे जा बेटा, तोरी नन्नो आई है, आराम से जाएगी। एक बात बताऊं गुड्डो, तो आप पेट नहीं दिख रहा, वही बात गांठ बांध ले, इस बार बेटा होगा, लड़का होगा लड़का। अम्मा इस बार मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। है? क्या कहा? क्या बोली? तुहे तो तमाशा नहीं चाहिए गुड्डो? तुहे तो तमाशा करने वाले बहुत पसंद है। गुड्डो ये तमाशा ही तो है और क्या है, हाथ की कठपुतली बना के रखा है उसने, तो अपने इशारों पे नचा रहा है 11 साल से और तू नाच रही है। बस अम्मा, आशीष के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना मुझे। काय नहीं सुनेगी? अरे मैं तो सुनाऊंगी, मर्दूद नामुराद, फूल जैसी बच्ची का क्या हाल बना दिया मुझे, नामुराद को कोसूंगी जब तक तो उसे निकाह नहीं कर लेता। हाँ चलिए, आपकी ये शिकायत भी दूर होने वाली है, आशीष बात करने वाले हैं अपनी माँ से हमारे बारे में। अच्छा लो इनकी सुनो, बात करने वाला है। अरे कोई है शर्त लगाने वाला तो मैं शर्त लगाऊं? अरे फातिमा भी 1 के 10 का भाव दे रही है भाई, शर्त लगा लो। तू ही लगा ले, वो निकाह नहीं करने वाला गुड्डो,
करना होता तो 11 साल में कर लेता। आशीष को नहीं जानती हूँ। अरे तू इन मर्दों को नहीं जानती गुड्डो, तो ही अम्मा ने दुनिया देखी है, मुंह से नजर ना चुरा। मैं तो एक कोरे कागज पे लिख के दे सकती हूँ, वो तो उसे निकाह नहीं करेगा। अरे वो गुजराती ब्राह्मण किसी मुसलमान लड़की से शादी नहीं करेगा। हाँ अम्मा, हिंदू मुसलमान मैं नहीं जानती। हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि कश्मीर से लौटने के बाद आशीष हमारे रिश्ते को नाम देंगे। अम्मा जिस रिश्ते को मैंने 11 साल अंधेरे में छिपा कर रखा, उस रिश्ते को पूरी इज्जत के साथ समाज के सामने लेकर आएंगे। वाह मोरी बोली बिटिया, बारे तेरी साथ की बारी जाओ, इसी उम्मीद में जीना, इसी उम्मीद में मर जाना। अब चीनी कम डालना वरना मुझे डायबिटीज हो जाएगी। अरे टीकू कहाँ मर गया? मुझे डर लग रहा है आशीष, प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिएगा। जो कुछ हमारे पास है हमारे लिए काफी है। आज से आशीष आपका बेटा, आशीष आपका और नीला मेरी बेटी। Don't tell me कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है। है कोई लड़की। कश्मीर से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? वो लम्हे जो हमने जिए थे। वो लम्हे लौटेंगे। माँ वो कुछ जरूरी बात करनी थी। पूरे 3 दिन के बाद आया है तू मेरे कमरे में, क्या काम है? कुछ नहीं। नीला से तेरी शादी पक्की होने की खुशी में घर पर मिठाइयां बांटी जा रही। जो कुछ हमारे पास है हमारे लिए काफी है। आज से आशीष आपका और नीला मेरी। कश्मीर से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? वो लम्हे जो हमने जिए थे। माँ वो कुछ जरूरी बात करनी थी। पूरे 3 दिन के बाद आया है तू मेरे कमरे में, कुछ माँ नीला को घर ले आई है। मुझे डर लग रहा है। माँ वो कुछ जरूरी बात करनी थी। बता दूंगी। अच्छा एक बात बता, आज तू इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? जब बताने का वक्त आएगा तब बता दूंगी। साइन करते
आशीष, थैंक यू सर। आशीष, 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 मेरी गल सुन, तू ठीक तो है ना? यार तुझे हो क्या गया था? तुम यहां शूटिंग करने आए, कोई मार पटाई करने नहीं आए। तुझे पता है मैंने कल रात उस औरत के पति को अपने हीरो के साथ बिठा के स्कॉच पिलाई है, तब जाके माना है वो, वरना तुम्हें अभी तक अंदर ही होना था। आशीष कल सुन, मेरी मेरी गल सुन। मल्होत्रा जी प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मेरा दिमाग मुझे बस कुछ देर की कल्ला छोड़ दूं मैं? ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरी शूटिंग का क्या हुआ? मुझे पता है ये खबर मैंने मीडिया में आने नहीं दी है, कैसे कैसे दबा के रखी है। और मेरी शूटिंग छोड़, अपने माँ के बारे में सोच, अगर उसे ये खबर पता लगती तो उसके ऊपर क्या बीतनी थी, ये तो जानता है ना तू। इंस्पेक्टर साहब, और जी आपसे एक गल करनी मैंने। जिम्मेदारी का कोई एहसास है कि नहीं तुझे? हमेशा तो पहुंचते ही फोन करता है ना, इस बार फोन तो दूर, मेरे फोन का भी जवाब नहीं दिया तूने। पता है रात भर छाती जलती रही मेरी। आपको काम में थोड़ा बिजी हो गया था और फिर क्या बात है बट्टू? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, तेरी आवाज का भी एक चेहरा है बच्चा, जो साफ साफ बता रहा है कि तू जरूर किसी तकलीफ में है। क्या परेशानी है बता मुझे, बोल। अब मैं हाँ बोल ना। मैं थक गया हूँ माँ। ये तेरी थकान नहीं है, तेरा अकेलापन है जो शीशा बनकर तेरी हड्डियों में जम गया है। तो बस काम खत्म करके जल्दी लौटा। वैसे कब लौट रहा है तू? मैं 8 जुलाई को। फिर तो अच्छी बात है, तेरे आते ही मैं तेरी और नीला की मंगनी करती हूँ। झट मंगनी, बट ब्याह, तेरा सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। इतनी जल्द शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों है? ए बट्टू, तू इतने साल मुझे टालता रहा और मैं मानती रही हूँ, लेकिन अब नहीं। मैंने हेमंत भाई को शब्द दिया है और तू तो जानता है कि मैं शब्द दे के कभी पलटती नहीं हूँ, और हेमंत भाई जैसे देव पुरुष से बिल्कुल नहीं। तू समझ रहा है ना? हाँ माँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। समझ रहा हूँ। आपको कैसे सही? चल लिया, मरवाएगा मैं भी अपने साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।